कुटला थाना के अंतर्गत पुरैनी आजाद नगर में आग लगने से चंदा बाईकोल के क्षतिग्रस्त मकान और जलकर नष्ट हुई गृहस्थी के सामान के लिए कलेक्टर अवि प्रसाद की पहल पर 37,000 रुपए का आर्थिक अनुदान मंजूर किया गया है। कलेक्टर प्रसाद की संवेदनशीलता और गरीबों तथा जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद के उनके भाव और प्रशासनिक स्तर पर प्रभावित व्यक्ति की हर संभव सहायता करने का शुक्रवार को फिर से एक मामला सामने आया है, जिसमें ग्राम पुरैनी के आजाद नगर निवासी चंदाबाई पति स्वर्गीय जियालाल कोल के घर में 12 जनवरी को लगी आग से गृहस्थी का सामान जलकर नष्ट हो गया था। कलेक्टर श्री प्रसाद के इस मामले के संज्ञान में आते ही तत्वरित रूप से तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव नगर को कार्यवाही के निर्देश दिए थे। कलेक्टर प्रसाद के निर्देश के बाद पूरी सक्रियता से तहसीलदार श्रीवास्तव ने स्थल पहुंचकर मौके का पंचनामा बनवाया। पटवारी की जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पुरैनी अंतर्गत आजाद नगर स्थित चंदाबाई के मकान में अज्ञात कारणों से आग लगने से 2 कमरे का पूरा छप्पर गृहस्थी का सामान चंदाबाई की बैंक पासबुक नष्ट हो गई, इसलिए आर्थिक अनुदान हेतु पुत्री ज्योति कोल की बैंक पासबुक की छाया प्रति ली गई। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार चंदाबाई की सहमति पर उसकी बेटी ज्योति कोल के बैंक खाते में 37,000 रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। पता नहीं क्या हो गया, हम तो ताला बंद करके चले गए थे बिटिया तरफ, पता चला कि आग लग गई हमारे दौड़ते। कहाँ आग लग गई थी? घर। अच्छा। दौड़ते बुझती नहीं रही, फिर नंगम की गाड़ी मंगवाए बुलवाए, तब फिर वो भी बुझाया। अच्छा, तो कुछ बचा उसके बाद? कुछ नहीं बचा, कुछ एक भी नहीं। कितने का नुकसान हुआ था? अरे कूलर, पंखा, साइकिल, 2 बोरा गेहूँ, 1 बोरा चावल, 5 किलो दाल। फिर आज कलेक्ट्रेट यहाँ क्यों आई हो? हम आ गए, हम ये कागज वगैरह पेश किए भैया, तो हम आ गए कि हम लोगों के पास पहनने लगते लिए कुछ नहीं। आज कलेक्टर साहब ने आपको क्या दिया, क्या बोले हैं ये आपसे? हमसे बोल दिए कि ये कागज ले लो, 37,000 रुपया मिला है, तो अपना इसी में हम खाना पीने छाया बनाएंगे कुछ। तो एक दिन में हो गया ये सब काम? हाँ सर, एक रोज में। अच्छा, कितने लोग रहते हैं आप लोग घर में? हम अकेले रहते हैं, हमारे नाते में दो रहते हैं, बहु बेटवा रहते हैं। क्या नाम है? हम यहाँ पे कलेक्टर साहब की मदद लेने आए थे और उनकी तरफ से 37,000 रुपए का मदद मिला हुआ है, तो उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। किस चीज़ का मदद, क्या हुआ था? घर पे आग लगने की वजह से कल सुबह 10 बजे आग लग गई थी हमारे घर पे। मम्मी हमारे यहाँ ताला बंद करके हमारे यहाँ थी, तो अचानक से आजू बाजू वाले लोग आए और बताने लगे कि तुम्हारे घर पे आग लग गई। उस वजह से नगर निगम से गाड़ी बुलवाए और फिर आग बुझवाए, उसके बाद में फिर वो गाड़ी चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, कटनी से श्यामलाल सूर्यवंशी।